बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। गुजारिश है कि ये तुम्हारी वजिस्तान एक इलाका है, वहां पर ये आईडी ब्लॉक हुआ था और आईडी ब्लॉक के बाद जो रैंडम की वहां पर पकड़ जरूर होती है, उसने एक बंदे को उठा लिया था पाकिस्तान और फिर दौरान कस्टडी उसकी डेथ। अब मसला ये है कि ये चीज उस वक्त हमने पार्ट ऑफ बॉर्डर पे उठाई थी, इससे पहले भी काफी केसेस इस तरह हो चुके हैं। अब चूंकि इसकी कोई सुनवाई नहीं हुआ कि बहुत देर से अभी स्टैंडिंग कमेटी में आया है, इस वजह से ये केसेस मुसलसल रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद पिनवाम में एक वाक्य हुआ, पिनवाम के वाक्य के बाद दो तीन दिन पहले मोहनखेल गांव में एक आईडी ब्लास्ट हुई थी, उसके बाद मोहनखेल से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान उसकी भी इसी तरह कस्टडी में डेथ हुई। और मैं कल ही वो पाक पानी करके आया हूं, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उस नौजवान की वालदा बाहर आई और उसने एक रिक्वेस्ट की कि मैं अपने बच्चों को यकीन बहुत बचपन में ही उनके वालिद की डेथ हो गई और यह अपना चंची रक्षा चलाता था, बस राह चलते हुए उसको पकड़ लिया और उसको फिर इतना मारा कि उसकी फिर डेथ हो गई। और ये केसेस रूटीन में है, वो सरसर में रिपीट हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये अगर उस वक्त रजाउल्लाह केस की प्रॉपर तहकीकात होती और ये मामला जल्दी स्टडी कमेटी में आ जाता तो मेरे ख्याल में ये केस रिपीट नहीं होते। अगर ये एक केस प्रॉप नहीं करेंगे तो ये केस वो रिपीट करते जाएंगे। और वाल यह है कि पाकिस्तान आर्मी से कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना इस मुल्क की अदालतें और ना ही कोई और जा रहा है। तो पूछते हैं कोई साहब ये भाई जो चीज हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब कमिश्नर ने और डीपीओ ने आना था डिटेल इस पूरे वाक्य की असेंबली को कमेटी को प्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन उस अपनी उस कमिटमेंट की वजह से जो हालात है सेंसिटिव वहां पे सब खुद आए वहां पर, इसलिए वो इस दफा नहीं आ सके। तो गुजारिश मेरी कमेटी से भी होगी कि अगर हमें एक नेक्स्ट स्टडी के ताकि वो खुद आके इन ऑन नोन माइक्रो डिटेल्स के साथ आपको शेयर कर देंगे जो डिटेल्स हैं इस किस्म के वाकया, ये हमारा होगा उन्होंने आना था, लेकिन जो हालात है सर को मेम्बर वाजिब मेम्बर को ज्यादा पता होगी, ये दोनों कबायल के आपस की अपनी स्पीच में उन्होंने वहां पर ठहरना था झंडा चढ़ना था दोनों का वहां पर कहना था। और जहां तक सी एस का खुद है वो खुद भी आते, लेकिन आज पी एम का विजिट है पिशावर और बागौर का, इसलिए ये भी सर ने मुझे सी एस साहब से मैसेज आया था ये बात में आपको बता दिया वो खुद भी आएंगे, लेकिन आज पी एम के विजिट में से वो उनके दिन में सर हुआ जी कीजिए। लेकिन फिर इस तरह करते हैं कि दो और इंसिडेंट्स हुए हैं साथ हम वो भी आपको रिटर्न में दे देंगे, आप वो भी फिर उनको भिजवा दें, फिर तीनों केसेस को पहले इकट्ठा सुन लेते हैं। ठीक है, मेरी गुजारिश ये होगी जी तो ये यूनियन रीजन है इनके पास प्राइम मिनिस्टर इस इशू के ऊपर या तो जल्दी होनी चाहिए या आपको कंसर्न एक सब कमेटी बना दें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कमेटी पर रिपोर्ट करें, ये ज्यादा बेहतर होगा अगर सब कमेटी बन जाए। क्योंकि एक मसला चेयरमैन साहब पता है क्या, ये जो इन्होंने बात बताई कि वहां पर कुछ छोटे मोटे मसले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते रहते हैं, अब एक मसले को स्पीड बनाकर वो आज नहीं आए वो कल फिर नहीं आए कि वो दूसरा इसी तरीके से जब चलता रहेगा, अगर आप सब कमेटी बना दी इसके लिए वो मतलब बहुत बेहतर है। लेकिन इसमें हमारी सब कमेटी चल रही है तो हम इस वक्त को उसके ऊपर नहीं मीटिंग में हम इनको भी नहीं ले रहे हैं, आनंद है कि हम जल्दी मीटिंग कर लेंगे और उसी में हम कोशिश करेंगे कि इसमें सब कमेटी बढ़ा देना। ये दो और केसेस हुए इसके लिए भी हम आपको लिख लेंगे आप।
अपनी जो कुर्सी हो गई थी आपके लिए आप